1848 में उधर मार्च काम कर रहा था, इधर चाचा साहब काम कर रहे थे। मार्च में उधर इन लोगों ने कहा कि भाई दुनिया का जो इतिहास है वो वर्ण संघर्ष का इतिहास है, दुनिया का जो संघर्ष है वो वर्ण संघर्ष का इतिहास है। दास उसके खिलाफ में मालिक, गुलाम उसके खिलाफ में मालिक स्वामी वर्ग, फिर बाद में कुल वर्ग उसके खिलाफ में जमींदार वर्ग, जमींदार वर्ग का, फिर बाद में कामगार वर्ग उसके खिलाफ में भंडार वर्ग, कारखानदार वर्ग, तो ये वर्ग संघर्ष चल रहा है और पूरा इतिहास इस वर्ग संघर्ष से भरा पड़ा है, वर्ग संघर्ष ही संघर्ष चल रहा है। तो उसी वक्त टाटा साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने कहा, उधर मार्क्स कह रहे थे, इधर टाटा साहब कह रहे थे, टाटा साहब ने कभी भी मार्क्सवाद नहीं पढ़ा क्योंकि उस वक्त यहाँ भारत में मार्क्सवाद की किताबें थी ही नहीं, मार्क्सवाद के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। फिर भी टाटा साहब ने उसी वक्त कहा कि इस देश का जो इतिहास है, ये भारत का जो इतिहास है, ये इतिहास प्राइमरी और नॉन प्राइमरी संघर्ष का इतिहास है, प्राइमरी और नॉन प्राइमरी आंदोलन का इतिहास है। अगर ये हमारे महापुरुष ने अगर बताया है कि संघर्ष का इतिहास है, आंदोलन का इतिहास है, तो हम क्यों भूल गए ये आंदोलन, ये संघर्ष को क्यों भूल गए? उन्होंने तो 5000 साल का इतिहास हमारे सामने रख दिया। किसान का कोड़ा एक किताब है, छोटी किताब है, पढ़ो 5000 साल का इतिहास। मार्क्स ने उधर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बनाया, उसका किताब बनाया तत्वज्ञान का, टाटा साहब ने इधर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ भारत ये बनाया और वो किसान का कोड़ा ये किताब, उसको हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोलना चाहिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो कोई भी तत्वज्ञान हो दुनिया में, अगर वो शोषण के खिलाफ है तो बस ये वही तत्वज्ञान हमारे महापुरुष ने कहा, कोई फर्क नहीं। संघर्ष, लड़ा, आंदोलन अगर है तो विकास होगा, नहीं है तो फिर पायलट होना है, सरेंडर होना है, जो दोगे नहीं दोगे तो भी चलता है। हमारे लोग कहते हैं